तो देखो यहाँ पे दो कार है, और अगर दो कार है यहाँ पे, अब हर एक का मास अलग अलग है। टू कार हैविंग मास, इसका मास M1 है और इसका मास M2 है। इसका मास अलग अलग है, इसका मास M2 है, और हर एक की रेडियस अलग अलग है। इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, ठीक है ना। यहाँ पे दो कार मतलब पार्टिकल ही ले लो, सर्कल पर चल रहे हैं। दे कंप्लीट द सर्कल इन इक्वल टाइम। देखो ऑब्वियसली इक्वल टाइम में अगर सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, टी इक्वल टू जीरो से ए भी स्टार्ट हुआ था, टी इक्वल टू जीरो से ये भी स्टार्ट हुआ था, ठीक ना, इक्वल टाइम में। तो ओमेगा वन अपन ओमेगा टू की वैल्यू निकालना, नो डाउट। देखो लीनियर स्पीड अलग अलग होगा, लीनियर स्पीड V1 और V2 इनकी अलग अलग होगी, ठीक है। बट ओमेगा क्या होता है, तो ओमेगा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक ना। तो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो जब ये टी इक्वल टू जीरो से चलेगा तो एक साइकिल में पूरा डिस्प्लेसमेंट ये 2π चलेगा और टाइम लग जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2π t, ठीक ना। अब यहाँ से उसी तरह से ओमेगा वन इक्वल टू 2π t और ओमेगा टू की भी वैल्यू हो जाएगी 2π t। आई होप की फार्मूला याद होगा। तो टाइम पीरियड T1 बराबर है T2 के, यहाँ से T1 T2 बराबर है, तो ओमेगा वन बराबर है ओमेगा टू, तो ओमेगा वन अपन ओमेगा टू की वैल्यू वन आ जाएगी, मतलब आ जाएगा डी ऑप्शन अपना सही बन जाता है। थैंक यू।